म्हणून अनिल देशमुख आत्ताच दिशा सालेनचा विषय का काढताय, आत्ताच एफिडेव्हिट का उल्लेख करताय, हे ज्या दिवशी उद्धव ठाकरेला कळेल त्या दिवशी त्याला देवेंद्र फडणवीसजींच्या खरं महत्व आणि किंमत कळेल। आज मोदी साहेब असतील, अमित शाह साहेब असतील, देवेंद्र फडणवीसजी असतील, ह्यांचे आदरणीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर संबंध आणि ह्यांच्याबद्दल सन्मान आहे, म्हणून उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा मुलगा बाहेर आहे। नाही तर जेवढा भ्रष्टाचार आणि काय काय जे केलंय ना, दुसरे कोण काँग्रेसवाले असते ज्यांच्या मांडीवर हा उद्धव ठाकरे जाऊन बसलाय, तो कधी तर त्या लोकांना आतमध्ये टाकलं असतं। क्या यही कह रहे नितेश राणे इस वीडियो में? उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ अच्छे रिलेशन है, इसलिए आदित्य ठाकरे बाहर घूम रहा है। अगर कोई दूसरी पार्टी का होता तो वो जेल में होता। बाला साहब के नाम पर कातिलों को बचाया जा सकता है क्या? मतलब कानून नाम की कोई चीज है या नहीं है? जिसका बड़े नेताओं से दोस्ती होगा वो मर्डर करके भी बच जाएगा। संजय राउत से किसने मीटिंग की थी? बीजेपी के ही लोग नहीं चाहते कि आदित्य ठाकरे जेल जाए, क्योंकि कुर्सी तो इसी शर्त पर मिली है ना। मीडिया में तो बस दिखावा है कि हम लोग अलग अलग हैं, पर पर्दे के पीछे सब एक दूसरे से मिले हुए। पार्टी फिर डिफरेंस में डिफरेंस वाली कोई बात नहीं है, ये हम सबको समझ आ चुका है। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को जस्टिस नहीं मिल रहा है। कानून इन नेताओं के तलवे चाट रही है।